हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैगी की रेसिपी। और मुझे ये वाली रेसिपी ना मैगी की बहुत ही पसंद है, मैं इसी तरीके से ज़्यादातर बनाती हूँ। तो चलिए आपके साथ भी शेयर करती हूँ मैं ये रेसिपी। तो सबसे पहले ना मैंने एक कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच जो है तेल ऐड कर दिया है, और एक बड़ा चम्मच ही ना मैं इसमें बटर ऐड कर दूँगी। तो बटर को हम हल्का सा जो है मेल्ट हो जाने देते हैं। तो ये देखिए, बटर थोड़ा सा मेल्ट हो गया है। इसके बाद ना मैं एक छोटा चम्मच जो मैंने बिल्कुल बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड कर दूंगी, और बस इसे हम जो है अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हल्का सा जो है लहसुन फ्राई हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये देखिए लहसुन जब हल्का सा फ्राई हो जाएगा ना, तो इसके बाद मैं इसमें दो मैंने हरी मिर्च को बारीक चॉप करके डाल दिया है, और एक मीडियम साइज़ की प्याज को भी ना मैंने बारीक चॉप करके इसमें डाल दिया है। तो ये देखिए, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो प्याज को भी ना हमें हल्का सा गोल्डन फ्राई कर लेना है। सो फ्रेंड्स, प्याज देखिए हल्की हल्की गोल्डन फ्राई हो चुकी है, तो बस इतना ही फ्राई करना है। तो इसके बाद ना मैंने एक मीडियम साइज़ के टमाटर को ना चॉपर से एकदम बारीक चॉप कर लिया है, जिससे ये ना जल्दी से गल जाएगा, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे पकाने में, मैंने इसलिए इसे चॉप कर लिया। आप चाहें तो इसे बारीक बारीक काट भी सकते हैं। तो बस इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और इसके बाद ना मैं इसमें थोड़ा सा जो है नमक ऐड कर दूंगी, और जिससे जो टमाटर हैं जल्दी से गल जाएंगे और अच्छे से। तो बस इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब बस इसे हम जस्ट एक मिनट के लिए पका लेंगे, जब तक ये जो है तेल छोड़ देगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, टमाटरों ने जो है तेल छोड़ दिया है, तो ये अच्छे से भुन चुके हैं अभी। तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद ना मैं इसमें थोड़ा सा जो है हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। तो बस थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद ना मैं इसमें एक छोटा चम्मच जो है सेज़वान चटनी ऐड कर दूंगी, और एक छोटा चम्मच ही मैं इसमें मेयोनीज़ ऐड कर दूंगी, इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो बस इन दोनों चीज़ों को भी हम जो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, बस अच्छे से मिक्स कर दिया, बस 30 सेकंड के लिए इसे पका लेंगे, इसे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है हमें। तो बस ये देखिए, इस तरीके से मिक्स करके इसे बस 30 सेकंड के लिए हम इसे भून लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से भून चुका है, तो बस इसे मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद मैं इसमें जो है पानी ऐड कर दूंगी। तो मैं जो है तीन मैगी बना रही हूँ, तो मैं इसलिए 3 कप पानी ऐड कर दूंगी। अगर आप 2 पैकेट मैगी बना रहे हैं तो 2 कप पानी ऐड करें। तो बस 3 कप मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया है, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस पानी में बॉईल आने देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए पानी में बॉईल आ चुका है, तो अभी मैं इसमें जो है मैगी ऐड कर दूंगी। तो ये देखिए 3 मैगी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो इस तरीके से मैं तोड़ के इसमें डाल देती हूँ, आपको अगर लंबी लंबी पसंद है तो आप बिना तोड़े भी इसमें डाल सकते हैं। तो बस मैं 3 मैगी इसमें डाल देती हूँ। तो ये देखिए, इसके बाद इसमें हम जो है 3 मैगी मसाला जो है इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए मैगी मसाला भी इसमें मैंने डाल दिया। इसके बाद मैं इसमें जो है आधा छोटा चम्मच मैं इसमें ऑरेगैनो ऐड कर दूंगी, और आधा छोटा चम्मच ही मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करूंगी, और आधा छोटा चम्मच ही मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दूंगी। तो बस इन्हें भी हम जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, इसे भी बस अच्छे से मिक्स करके ना मैं 1 मिनट के लिए इसे पका लेती हूँ। और फ्रेंड्स, इसे ना हम हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 1 मिनट हो चुके हैं, मैगी हमारी जो है 80% लगभग कुक हो चुकी है। तो बस इसे हम अभी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, अब इसके बाद ना मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ चीज़। तो मैंने चीज़ स्लाइस ले ली है, तो मैं इसमें जो है 3 चीज़ स्लाइस इसमें रख देती हूँ। सो फ्रेंड्स, इस स्टेज पे आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर लें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा फ्रेंड्स चीज़ का इसमें। तो मैं इसमें इसलिए चीज़ ऐड कर रही हूँ, अगर आपके पास ना हो तो आप बिना चीज़ के भी ये बहुत ही टेस्टी है बनती है, तो आप ऐसे ही बनाएं। और बस थोड़ा सा मैं इसके ऊपर चिली फ्लेक्स ऐड कर दूँगी, जिससे ये बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो ये देखिए, इसके बाद बस हम इसे 30 सेकेंड के लिए और पका लेंगे।
सो फ्रेंड्स ये देखिए 30 सेकंड हो चुके हैं और चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो गया है और मैगी भी एकदम हमारी परफेक्ट कुक हो चुकी है। इसे ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है, तो बस इतना ही पकाना है। तो बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और मैगी हमारी बनकर बिल्कुल रेडी है, तो बस इसे अभी हम सर्व कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स ये देखिए मैगी मैंने सर्व कर ली है और बस इसके ऊपर ना मैं चीज़ क्यूब जो है मेरे पास रखा हुआ था तो थोड़ा सा ऊपर से डेकोरेट कर दूंगी मैं इसे, और मेरे पास ये मैगी के बारीक बारीक टुकड़े थे तो उससे भी मैं थोड़ा सा ऊपर डाल के इसे डेकोरेट कर दूंगी। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की जो है मैगी हमारी बनकर बिल्कुल रेडी है, खाने में बहुत ही टेस्टी थी फ्रेंड, तो आप ट्राई ज़रूर करके देखिएगा और बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं थी, चिपकी चिपकी नहीं थी, तो आप ज़रूर बना के देखिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।